ये सुपर डुपर हमारी जो है फिश तैयार हो गई है। पहले भी तैयार करते थे, मज़े की थी जी। ये न्यू तरीका का है इसका, और जो है ना जो भी खाएगा इंशाल्लाह आपको 100 पर 10 मार्क्स तो ज़रूर देगा इंशाल्लाह। आजमाया हो देखिए कितनी माशाल्लाह से मज़े लग रही है। कुछ से कम मसाला नहीं है इसमें, इसकी डेटे सात कप टी ग्रीन टी। अब चलते हैं 100 by 110 वाली जो फ्राई फिश रेसिपी है बनाने लगे हम। ये इसके जो भी इसमें शामिल होने ये अज़ा है, इसका स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। और इसके जो ये चीज़ें ना ये हमने लेनी है हसब मनशा, यानी कि जितना आपको मर्ज़ी के मुताबिक ये इस्तेमाल करें। और ये खुबानी की चटनी या पुदीने की चटनी या सॉस जो है दही पुदीने की जो चटनी है इसके साथ बहुत मज़े की लगती है। बाकी जो है सारा कुछ इस तरह इसको बनाना है। ये इसकी डिटेल वीडियो में आप देख लो। फिश है जो हमने इसको इनमें से उन्होंने अजवाइन और नमक जो जिन्होंने बना के दी थी इसको लगा के दिया था। ये वाली चीज़ जो थोड़ी देर पहले हमने इसको थोड़ा ना नींबू का जो रस था वो इसमें से निचोड़ दिया, तकरीबन 10 मिनट रहने दिया, फिर इसको वॉश कर लिया अच्छे से। और ये तकरीबन 3 घंटे हो गए हैं इसको, इसमें ना हमने इसको जिस तरह से रख दिया हुआ था ये इस तरह से ताकि अच्छी तरह इसमें से पानी से निकल जाए। तो पानी इसका ऑलमोस्ट निकल चुका है, पहले भी बनाते हैं लेकिन इस दफा हम कुछ इसको नए कुछ नए तरीके से बनाना बनाएंगे। आइस के लिए ये इतनी अच्छी है, इतनी मशीन जो फिश है सर्दियों का अलग एक तरफ से कुदरत का तोहफा है। और इसमें पहले नमक ज़्यादा, इसको थोड़ा सा ना चख लें दांत के साथ क्योंकि इसमें नमक ज़्यादा, इधर से थोड़ा बाइट ले कर ना इसको थोड़ा सा चख लें तो अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना नमक है। क्योंकि जब ये बना के देते हैं फिश तो उसमें डाल देते हैं नमक अजवाइन और कुछ और भी चीज़ें शामिल कर देते हैं, तो नमक इसमें पहले ज़्यादा होता है तो चख के अंदाज़ा हो जाता थोड़ा सा कि इसमें कितना नमक और जाएगा। और वैसे भी इसमें नमक आप थोड़ा ही रखें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये 3-4 घंटे बाद ये कुछ इस शेप में आ गई है, इस शेप में यानी खुशक हो गई। अब इसको करते हैं मैरिनेट। फिश को मैरिनेट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी कांटों की, तो ये हम इसको मैरिनेट करते हैं इसके साथ इस तरह सुराख सब कुछ तैयारी करने से पहले इसको उसको पहले इसको थोड़ा ऐसे कर लेंगे ताकि जो मसाला है उसको ठीक है। फिर ये ज़्यादा मसाला जो ना ज़्यादा अच्छे से जज़्ब होगा। इसको जो कर दिया
अच्छी इस तरह से इसको हमने काट लिया। इस सारे को हमने आटे के साथ इसमें अच्छी तरह इसको कर लिया। इससे जो मसाला है इसके अंदर अच्छी तरह अब्सॉर्ब हो जाएगा और ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ये अच्छा जी, अब जो चीज़ें हमें चाहिए उसके लिए जो मैरिनेशन के लिए वो है, ये है ये वाला मिक्सली, ये मसाला और ये है चाट मसाला। ये चाट मसाला जो ये है बेसन और ये मैदा। अच्छा हमने ये देखें, ये भी है, ये दोनों में फ़र्क लग रहा है, ऐसे देखने में नहीं लग रहा, लेकिन ये हमने पहले मंगवाया था तो ये उन्होंने वो जो माया नहीं होती सरफ सी जो, ये देखें ये ज़्यादा वाइट और ज़्यादा मालान सॉफ्ट सी है। और ये जो मैदा ये अब मंगवाया दोबारा, ये शॉपकीपर ने ना गलती से ये हमें दे दी है माया सरफ, नहीं वो जो कलफ होती है उसको लगाने वाली। ये आप ज़रा नोट कर लें, इसको हम देखते हैं, इसका कलर भी ज़्यादा वाइट है और ये ना ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और ये जो है ये दोबारा हमने फिर मैदा मंगवाया, मैदा ज़रा इसमें थोड़ा सा ना ऐसे रबड़ सी है और थोड़ा इसका कलर भी इतना वाइट नहीं है। और ये देखें ये इसका कलर कितना वाइट है माया का, ये हमने देख लिया है। पहले हम ये डालने लगे थे लेकिन अचानक ना मुझे फील हुआ कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर हमने दोबारा से भी ये मैदा मंगवा लिया, तो उन्होंने कहा कि गलती से चला गया। ये है मेरी कसूरी मेथी, इसको हमने इसको ऐसे कर लिया है, इसको अच्छी तरह से चुटकियों से मसल कर इसको बारीक कर लिया है, कसूरी मेथी है ये। और ये फिर आ गया कि ये है जवाइन सब। और ये रहा नमक, नमक थोड़ा इस्तेमाल करना क्योंकि इसमें पहले भी नमक लगा होता है। और वो जो चाट मसाला और वो क्या उसका नाम है वो फिश मसाला, उसमें भी नमक ऐड होता है। और ये है सादा मिर्च पीसी हुई बारीक पीसी हुई, और ये कुटी हुई मिर्च दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं। और ये रहा दही, और ये थोड़ा हमने उसका निकाल लिया था पानी, लीमों का पानी रस निकाल लिया था, इसमें वैसे पहले भी शामिल किया था हम लोगों ने जब इसको वॉश करना था उससे कोई 10 मिनट पहले, लेकिन टेस्ट के लिए ये थोड़ा सा जूस और निकाल लिया। और इसमें कई लोग इसमें कुछ लोग ये भी डालते हैं अदरक और ये जो लहसुन है, लेकिन ये कुछ अच्छा नहीं लगता। अगर इसको ज़्यादा ही किसी का दिल कर रहा तो इसको ना इन दोनों चीज़ों का ना वो निकाल लें, जूस निकाल के ना रस निकाल के वो इस्तेमाल कर लें, या फिर इसका पाउडर, इसको पाउडर फॉर्म में, तो फिर ये अच्छा लगता है लगेगा। अच्छा ये सारी चीज़ें अब हम करते हैं इसको शॉर्ट कर देते हैं इसको सारी चीज़ें। बेसन मैदा हमने इसमें पहले डाल दिया था, ये रहा इसमें ये जो था पाउडर चाट मसाला जो, और ये इसमें फिश मसाला। और इसमें थोड़ा सा ये जो लीमू का था वो हमने वो भी, और ये दही रह गया, दही रह गया योगर्ट। अब हम इसको मिक्स कर लें, ये इस तरह ये इसको चम्मच से घंटे से भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने हाथ से अच्छी तरह सारी चीज़ों को मैनेज कर दिया। थोड़ा इसको ना
थिक नहीं रखना, थोड़ा ज़रा इसको जब थोड़ा पतला हो तब लगाने में आसानी हो। इसमें सारी चीज़ें शामिल की थी लेकिन ना वो ज़रा थोड़ा उसमें था थिक थिक था, तो थोड़ा इसमें पानी, तो पानी का इस तरह ये इसको बारीक बारीक सा लगा लेना। का हुआ अमल कंप्लीट, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब ये देखें कितनी हेल ब्रीक ब्रीक लेयर लगाई है। पर मसाला तैयार किया था ना पिछले दफ़ा हम करते थे, ज़्यादा ज़्यादा सारा बेसन लगा देते थे, उतनी बाद मज़ा सी बनती थी। लेकिन ना लास्ट फ्राइडे को हमने बनाई थी इस तरीके से, तो वो बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखें बिल्कुल लाइट सब ज़्यादा नहीं है, तो बहुत वो क्रिस्पी और बड़े मज़े की बनी थी, जैसे वो बाजार से मिलती उस तरह की। तो ये हम रख देंगे इसको मैरिनेट के लिए, इसका 2-3 घंटे तक सही हो जाएगी। और अगर 10-12 घंटे रखें तो फिर तो बहुत कमाल की बनती है ये चीज़। तो फिर इंशाल्लाह इसको हम फ्राई कर लेंगे, अभी गैस भी नहीं है तो इसको रख देते हैं मैरिनेशन के लिए। और इसको हम तकरीबन रखेंगे 2-3 घंटे तक, नहीं छोड़ा तब तक गैस पे आ जाएगी मैरिनेशन, इसको कवर करके रख देते हैं। 4 घंटे हो गए मैरिनेट हो गए मेरी फिश, अभी इसको फ्राई करते हैं। तो शैलो फ्राई यानी ज़्यादा घी डाल के नहीं करते, नॉर्मल से हो तो ठीक है। अगर एक दफ़ा इसको निकाल के कहूँ तो फिर दोबारा आपको लगे देंगे अंदर तक लगे हो जाए अंदर तक ही पक जाए। फिश रेडी हो गई है, पहले भी तैयार करते थे लेकिन बहुत ज़्यादा इतनी क्रिस्पी और टेस्टी बनती थी ये, तो माशाल्लाह से इतनी मज़े की पिछली दफ़ा भी हमने बनाई थी। ये इसमें हमने निकाल ली है, ये है कि इसमें बटर पेपर नहीं बिछाया बिकॉज पहले हमने इसको तवे पे निकाल दिया था, सारा इसका ऑयल उधर से निकल गया है। और देखिए कितनी मज़े की बनी है, कितनी मज़े की है, इतनी प्यारी, इतनी मज़े की खाने में अंदर तक पकी हुई और इतनी मज़े की यूनिक रेसिपी सुपर डुपर ये आपके बन गई फिश। और फिश के जब फिश जब खाते हैं ना तो इसके साथ इमली अर्च साग उबाने की इमली बहुत मज़े की लगती है, लेकिन इस दफ़ा लाए नहीं है हम लोग अभी, तो अगली दफ़ा सही ये आप ट्राई करें। माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनती है ये रेसिपी, मुझे भी मेरी सिस्टर ने दी थी वो, उनके घर में बड़ी फिश खाई जाती है तो बना के देखे। और साथ ही इसके साथ कभी भी ना दूध नहीं पीते,
क्योंकि दूध के बाद ब्लैरी वगैरह या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाता है। इससे सबसे बेस्ट है इसके साथ ये जो है ये ग्रीन टी, इसमें थोड़ा लेमन निचोड़ लें क्योंकि इसमें विटामिन डी ए ई वगैरह होता है, तो इसके लिए आपको कुछ ये चाहिए होता है। इसमें थोड़ा सा लेमन जो है ना ऐड कर लें, विटामिन सी से इसकी अब्सॉर्बेशन जो है बढ़ जाती है, अब्सॉर्ब हो जाता है। ये तो वैसे ही जिसमें चले माशाल्लाह कितनी मज़े की लुक आ रही है उसकी। चलो कुछ तो बच्चों को दे दी थी, बाकी जो ये नहीं है ये भी इंजॉय करते हैं बच्चों को साथ ही है, और साथ इसके लेमन आप इसमें डाल के भी हैं तो फिर ये सोने पे सारा काम देता है। ये चंगा चंगा जमे आइए।